हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पबजी के एक सॉलिड बग के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा सैमसंग S8 और मैंने पबजी को हाल ही में अपडेट किया था और अपडेट के बाद मेरे सैमसंग S8 के अंदर इस तरह का बग आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंट्रोल का बटन नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो मैंने सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस किए तो आप गलत सोच रहे हो। दोस्तों, यहाँ पे मेरे जो हेल्थ का मीटर है, ठीक है, जिससे मेरे को पता चलता है मेरे इतने परसेंटेज हेल्थ है, वो भी यहाँ पे नहीं है और उसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप लोगों को अच्छे से पता है। तो दोस्तों, सैमसंग के सभी डिवाइसों के अंदर कुछ इस तरह का बग हमें देखने के लिए मिल रहा है जिन्होंने इस गेम को अपडेट किया है। और दोस्तों, मैंने इस दो बार इस गेम को अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से रीडाउनलोड भी कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों अब ये बग मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह का बग आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरे किसी दोस्त को इस बग को फिक्स करने का पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई मैं इसको बग को किस तरह से फिक्स कर सकता हूं। और दोस्तों, मेरे सैमसंग S8 के अंदर आप कोई भी मैप खेल लीजिए, उसके अंदर सभी के अंदर आप लोगों को ये बग देखने के लिए मिलेगी। पहले तो कभी कभार आते थे, लेकिन अब ये बग ही बग है और मैच तो कभी कभार ही खेलने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, ये हाल है। अभी पता नहीं पबजी वालों ने जो एक नया अपडेट दिया है उसके अंदर स्पेशली सैमसंग के लिए बग तैयार किया हो तो कुछ कह नहीं सकते। अब पबजी डेवलपर इस बग को कब फिक्स करेंगे सैमसंग के लिए, वो हम कुछ कह नहीं सकते। और आशा करता हूँ जल्दी फिक्स कर दे और हम फिर से अपने सैमसंग के डिवाइसों में इस गेम का एंजॉय ले पाएँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो पबजी गेम को अपडेट ना करें।